उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन भी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। बरेली में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे सपा के एक डमी प्रत्याशी और कांग्रेस के तीन प्रत्याशियों समेत तमाम उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ पर्चा दाखिल किया, जिनमें कैंट विधानसभा सीट से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता प्रवीर सिंह एरन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पत्नी सुप्रिया एरन का पर्चा खारिज न करा दिया जाए, इसलिए उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि पूर्व मेयर और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा प्रत्याशी सुप्रिया एरन पहले ही कैंट विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। हमें ये अंदेशा है कि कहीं सुप्रिया एरन जी का पर्चा कहीं खारिज ना कर दें, तो हमें इसलिए नामांकन करना पड़ रहा है कि चलो भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कम से कम स्टैंड बाई में तैयारी तो करें। तो इतनी शोचनीय स्थिति है कि हमें कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही। अब ये कि साहब किसी में कहीं कुछ निकाल दिया दो लाइन का, ना तो कोई कोर्ट का स्टे देख रहा है और थाने से परमिशन नहीं मिल रही कि साहब आपने जो है ये वहाँ पर एक किसी ने न्यूज़ निकाल दी है, कोई विवाद है। तो साफ तौर पर ये मान लिया जाए कि आपके मन में डर है कि कहीं ऐसा निश्चित रूप से कि नामांकन आपका कैंसिल हो जाए। निश्चित रूप से हमें पार्टी के कई साथियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी इस बात को किया कि भाई जिस तरीके से जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव कार्यालय की, प्रधान चुनाव कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही। मेरा तो निवेदन अनुरोध है कि चलिए सुप्रिया एरन जी का जो है यहाँ पर 30 साल से चुनाव का वो चल रहा है, कार्यालय बनता रहा है, मेयर के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सुप्रिया जी के, और अब उसी बिल्डिंग के लिए ये हो रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा। वहीं आज कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इस्लाम बब्बू और शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णकांत शुक्ला पार्टी के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं बरेली के बहेड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष भारती ने पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। 1995 से नगर निगम का पार्षद भी रहा हूं। इस वक्त मेरी बीवी, मेरी पत्नी पार्षद हैं, नरगिस बेगम उनका नाम है। तो मैं इन समस्याओं से जो जनता की हैं उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं किस तरह से कौन कौन से मुद्दे, अगर यहां की 125 कैंट विधानसभा की जनता मुझे जिताती है तो उनके लिए क्या काम करना है। भाजपा ने इतना बुरा हाल कर रखा है, जनता त्रस्त है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है और हम लोगों का पहचान है कि हम विकास करने वाली पार्टी है, हम गरीबों का ख्याल करने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इस बार हिंदू मुसलमान में जो लोगों को बांटते थे, जो तिफरका फैलाते थे, वो सब ख़त्म हो जाएगा। सब उनके जितने अरमान थे कृष्णकांत शर्मा के कैंडिडेट बनते ही सब धराशायी हो गए हैं और इस बार भाजपा का झूठ का पुलंदा बंद के रहेगा।